दोस्तों बारिश की वजह से बदल गया है पूरा फाइनल का पूरा शेड्यूल टाइम, कब से होगा मुकाबला शुरू बताएंगे पूरा खबर आपको इसी वीडियो पर। उससे पहले आप लोग भी चाहते हो टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2024 पर यहाँ पर किताब अपना नाम करे तो वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को दिल से सब्सक्राइब करें। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग की जानकारी के बताते तो वर्ल्ड कप 2024 पर अभी यहाँ पर जो अपना अंतिम चरण पर पहुँच चुका है, जहाँ पर सेमीफाइनल यानी कि जो बुधवार को खेला गया था भारत और इंग्लैंड के बीच जो मुकाबला, जहाँ पर भारत ने बेहतरीन जीत हासिल करके अपना फाइनल का टिकट को कंफर्म कर लिया है और फाइनल साउथ अफ्रीका टीम के साथ खेलने वाला है। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा खबर उठ के आ रहा है, जो यहाँ पर फाइनल मुकाबला जो बारिश की वजह से यहाँ पर रद्द हो सकता है। लेकिन बहुत तमाम भारत का फैंस यही जो इंतज़ार में बैठा है साउथ अफ्रीका और भारत के भी जो मैच को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर देखना। लेकिन यहाँ पर बारिश रुकावट डाल रहा है, अगर बारिश ऐसे रुकावट डाले तो यहाँ पर जो ये मुकाबला फिर से रविवार के दिन होते हुए नज़र आ सकते हैं। और अगर बारिश रुक जाए तो इस मुकाबला में जो यहाँ पर 9 बजे या 9:30 बजे के अंदर ये मुकाबला आप लोगों को फिर से शुरू होते हुए नज़र आ सकता है। लेकिन आप बंद की क्या राय है, क्या वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया बेहतरीन जीत के इस वर्ल्ड कप 2024 का किताब को अपना नाम पड़ेगा? क्योंकि आपको पता होगा 2007 में पहला जो टीम इंडिया यहाँ पर वर्ल्ड कप का ट्रॉफी अपना नाम किया था, तब से 17 साल का इस सूखापन को ख़त्म क्या कर सकता है? चाहे तो इस बार रोहित शर्मा अपना कप्तानी पर एक इतिहास रच सकता है जो उनको जो इतिहास में याद रखा जाएगा 2024 में टीम इंडिया को किताब दिला के वर्ल्ड कप का ट्रॉफी दिला के। तो दोस्तों आप बंधु की क्या राय है, क्या रोहित शर्मा टीम इंडिया को वर्ल्ड कप का ट्रॉफी दिला पाएगा या नहीं, आप अपनी राय जरूर बताएं। आगे भी क्रिकेट से जुड़ी सभी क्रिकेट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपकी बहुमूल्य समय देने के लिए।